इस लेक्चर में हम लोग कुछ और एल्गोरिथम्स के कॉम्प्लेक्सिटीज फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे लिखा फॉर आई इक्वल्स टू 1 टू एन स्टेप मल्टीप्लाइड विद टू डू, देन यहाँ के अंदर लिखा गया है राइट आई। इसका ये फाइंड करने के लिए कि कितनी बार ये एग्जीक्यूट होगा, हम मान लेते हैं कि जितनी बार इसका एग्जीक्यूशन होगा, आई जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ऑब्वियसली इसमें 2 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी गिवन है, तो आई पहले 1 है, देन ये 2 के लिए चलेगा, देन ये 4 के लिए चलेगा, देन ये 8 के लिए चलेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ एन के लिए चलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन इसके कितने होंगे, ये लेट से हमने एक अज्यूम कर लिया कि ये जो चूँकि 2 के पावर्स के लिए ये चल रहा है, तो 2 के पावर के तक ये चलेगा, और 2 के पावर के की जो वैल्यू है दैट इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, ऐसा हमने मान लिया। ऐसा हो सकता है कि एन जो है वो 2 का एग्जैक्ट पावर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो इसको लेस देन और इक्वल टू एन मानेंगे, क्योंकि अगर 2 के पावर के जो है वो ग्रेटर देन एन हो जाएगा तो इस लूप का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो 2 का पावर 2 या तो एन 2 का एग्जैक्ट पावर है, या तो अगर एग्जैक्ट पावर नहीं है तो जब तक 2 पावर के की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एन है हमारा लूप चलता रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन हमारे कितने हैं अगर आप ध्यान से देखें तो, कि 1 के लिए होगा चलेगा, ये 2 पावर 0 है, 2 के लिए चलेगा, 2 पावर 1 है ये, 2 स्क्वायर 2 इसके लिए भी चलेगा, ये एग्जीक्यूशन होगा, 2 पावर 3 के लिए भी एग्जीक्यूशन होगा, और 2 पावर k के लिए भी एग्जीक्यूशन होगा। तो टोटल एग्जीक्यूशन इसके कितने हैं, k+1 टाइम्स इसका एग्जीक्यूशन है, तो हमें k फाइंड करना पड़ेगा। सो अगर हमने ये माना कि 2 पावर k इक्वल्स टू एन है, तो हमें दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं बेस 2 का, इस k को हम इधर लेके आते हैं, इसकी वैल्यू लॉग एन हो गई, और log2 to the base 2 की वैल्यू 1 हुई, k इक्वल्स टू हमारे पास हो गया log n to the base 2। फाइन, तो इसका जो एग्जीक्यूशन होगा इस लूप का कितनी बार होगा, k+1 टाइम्स। इसका मतलब है कि log n base 2+1 टाइम इसका एग्जीक्यूशन होगा। नाउ आप देख सकते हैं कि अगर इसको हमें नोटेशन के फॉर्म में लिखना है तो कांस्टेंट टर्म का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे +1 को हम हटा देंगे और log n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लिखी जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वंस अगेन ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि इसमें हम केवल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। फाइन, मान लीजिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन विथ 2 की जगह मल्टीप्लिकेशन विथ 3 हो जाए, उस केस में क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n base 2 है, इसे हम बेस चेंज कर देंगे, base 3 कर देंगे, और बाकी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। फाइन, आप समझ पा रहे होंगे इसकी लॉजिक क्या है। मान लीजिए कि हमने इस तरह से एग्जीक्यूशन किया फॉर आई इक्वल्स टू एन 2 1 स्टेप डिवाइडेड बाई 2 2, ठीक है, देन हमने यहाँ के अंदर लिखा राइट आई। सो आई इक्वल्स टू एन 2 1 स्टेप डिवीजन बाई 2 2 एंड राइट आई। नो इसको आप इससे बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, एन से स्टार्ट हुआ, देन डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, देन डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, अगेन डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। एन की वैल्यू को अगर हम 8 मान लें तो पहले 8 के लिए एग्जीक्यूशन हुआ, डिवाइड बाई 2 4 के लिए भी एग्जीक्यूशन होगा, डिवाइड बाई 2 2 के लिए भी एग्जीक्यूशन होगा, देन 1 के लिए भी एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन 1 के बियॉन्ड एग्जीक्यूशन इसका नहीं होगा। तो टोटल 4 टाइम्स इसका एग्जीक्यूशन होगा। अगर एन की वैल्यू 16 होती तो एक बार और बढ़ जाता, ये 32 होती तो एक बार और बढ़ जाता। सो 32 क्या है, 2 पावर 5 है। एग्जीक्यूशन कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6, अगर 16 है तो दैट इज़ 2 रेस्ट टू द पावर 4, और एग्जीक्यूशन कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 बार। सो यहाँ पे भी जो एग्जीक्यूशन हमारा हो रहा है वो log n+1 टाइम हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इस मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन सो फोर्थ हो रहा था, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यही रहेगी log n base 2। वंस अगेन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी यहाँ पे। नेस्टेड लूप्स का अगर मान लीजिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 n do, एंड देन हम यहाँ पे कह रहे हैं फॉर j इक्वल्स टू 1 2
एंड डू. देन हमें यहाँ पे कहा लेट्स से राइट आई कॉमा जे. नाउ यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कुछ लोगों के कन्वेंशन होगा कि हम ये देख रहे हैं कि एन टाइम्स चल रहा है और ये भी एन टाइम्स चल रहा है, तो एन को एन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमने इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर लिया. मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह से ना फाइंड करें. आप ये देखें कि आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप कितनी बार चल रहा है. अगर आई क्यू लू वन है तो इनर लूप आप देख सकते हैं कि एन टाइम्स चल रहा है. फिर आई क्यू लू टू हुई तो भी इनर लूप एन टाइम्स ही चल रहा है. जब आई क्यू लू थ्री हो गई तो भी इनर लूप एन टाइम्स ही चल रहा है. आई क्यू लू फोर हो गई तो भी एन टाइम्स चल रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. आई क्यू लू एन होगी तो भी एन टाइम्स ही चलेगा. सो दिस इज समथिंग लाइक एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ अन. तो ये एन टाइम्स ऐसा हो रहा है. आई की वैल्यू एन बार चेंज होगी तो ये एन इंटू एन हो जाएगा. इसका मतलब कि एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी. नोटेशन में इसको हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लिखेंगे. एक ही स्टेटमेंट इसके अंदर है इसलिए ऐसा हो गया. दो स्टेटमेंट होते तो टू एन स्क्वायर हो जाता, तीन स्टेटमेंट होते तो थ्री एन स्क्वायर हो जाता, एंड सो ऑन सो फोर्थ. फाइन, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी अगर नोटेशन के फॉर्म में लिखी जाती तो इन सभी के लिए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही लिखी जाती है. तो ये सही तरीका है कि आप आउटर लूप देखें कि आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप कितनी बार चल रहा है. फाइन, अगर हमने ऐसा लिखा फॉर आई इक्वल्स टू वन टू एन डू, एंड देन इनर लूप हमने लिखा फॉर जे इक्वल्स टू एन टू वन डू, एंड देन राइट आई कॉमा जे. सो ये आउटर लूप एन टाइम्स चलेगा, इनर लूप भी एन टाइम्स चलेगा हर आई की वैल्यू के लिए. तो वन सेकेंड, ऐसा ही केस हुआ इसमें कि इनर लूप एन से लेके वन तक मतलब एन बार चल रहा है, फिर एन बार चल रहा है आई क्यूलू टू के लिए, आई क्यूलू थ्री के लिए भी एन बार चल रहा है. तो एन इंटू एन मतलब एन स्क्वायर. पहले तो हमने एन प्लस एन प्लस एन निकाला, देन एन इंटू एन निकाला, एन स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, देन मान लीजिए कि हमने इस तरह का स्टेटमेंट लिखा फॉर आई इक्वल्स टू वन टू एन डू, एंड देन हमने कहा फॉर जे इक्वल्स टू वन टू एन स्टेप मल्टीप्लाइड विथ टू डू. सो ये इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा. वंस अगेन हमें इस तरह से समझना पड़ेगा कि आउटर लूप की एक वैल्यू, आउटर लूप में लूप काउंटर की एक वैल्यू के लिए इनर लूप कितनी बार चल रहा है. तो आई के लूप वन है तो इनर लूप कितनी बार चलेगा, लॉग एन टाइम चलेगा. हमने ऑलरेडी इसको कंप्यूट कर लिया है. आई की वैल्यू अगर टू होगी तो भी ये लॉग एन टाइम चलेगा, आई के लू थ्री होगी तो भी ये लॉग एन टाइम चलेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. लास्ट आई के लू एन के लिए भी ये लॉग एन टाइम ही चलेगा. तो ये कितना हो गया, लॉग एन प्लस लॉग एन प्लस लॉग एन, कितनी बार, एन टाइम्स. तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गई वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो गई. ठीक है, बहुत ही आसान है इसको फाइंड करना. एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर आई इक्वल्स टू वन टू एन डू, फॉर जे इक्वल्स टू वन टू एन माइनस आई डू, एंड देन राइट आई कॉमा जे. इसको फाइंड करना भी बड़ा सिंपल है. आई की वैल्यू वन के लिए इनर लूप कितनी बार चल रहा है. आप देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू वन है तो इनर लूप हमारा चल रहा है वन से एन माइनस आई, मतलब एन माइनस वन टाइम्स चलेगा. जब आई की वैल्यू टू हो जाएगी तो इनर लूप कितनी बार चलेगा, वन से एन माइनस टू तक. आई की वैल्यू थ्री होगी तो कितनी बार ये चलेगा, एन माइनस थ्री तक चलेगा, वन से लेकर एन माइनस थ्री तक, एंड सो ऑन सो फोर्थ. अगर मान लीजिए कि आई की वैल्यू एन है तो जो इनर लूप है वो वन से लेकर जीरो तक, मतलब ये चलेगा ही नहीं. फाइन, लेकिन उसके जस्ट पहले क्या होगा, ये वन टाइम चला होगा, उसके जस्ट पहले वो टू टाइम्स चला होगा, उसके जस्ट पहले वो थ्री टाइम्स चला होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो आप इसको सम कर देंगे तो टोटल एग्जीक्यूशन पता चल जाएगा. सो वन, उल्टा हमने लिख दिया इसको, वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ऑन सो फोर्थ, एन माइनस वन. इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज समेशन एन माइनस वन. इसका मतलब ये हो जाएगा एन इन टू एन माइनस वन बाई टू, दिस इज एन स्क्वायर बाई टू माइनस एन बाई टू. और कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कैसे लिखी जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, तो एन स्क्वायर भी है और एन भी है. तो ऐसा अज्यूम हम करते हैं कि एन बहुत ही लार्ज क्वान्टिटी है, और एन चूँकि इतनी लार्ज क्वान्टिटी है तो एन स्क्वायर उससे भी बड़ा होगा. तो एन स्क्वायर के रिस्पेक्ट में जो एन होगा वो काफ़ी बड़ा होगा,
एन स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एन काफ़ी छोटा होगा तो हम उसको नेग्लेजिबल मान सकते हैं, और हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गई, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ वन होगी। आप देख सकते हैं कि इसमें आपने दो वेरिएबल्स यूज़ किए, आई और जे, दो वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट माने जाएंगे और इसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन लिखेंगे, ठीक है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिखा फॉर आई इक्वल्स टू वन टू एन डू, फाइन। इसके अंदर हमने एक वाइल लूप लगाया और वाइल लूप में कहा कि वाइल जे इज लेस देन एन एंड ए जे इज ग्रेटर देन ए आई डू दिस, फाइन। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, राइट आई कॉमा जे, बाहर हमने ऑलरेडी यहाँ पे इनिशलाइज कर रखा है, लेट्स से हमने जे को ऊपर इनिशलाइज कर रखा है, जे की वैल्यू वन है, ठीक है। जे की वैल्यू वन है और जब तक जे की वैल्यू एन, अगर जे की वैल्यू एन है तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको समझने के दो तरीके हैं, पहले तो आप ये समझ लें कि आई की वन वन वैल्यू के लिए कितनी बार चलेगा। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर वन लेस देन एन है तो ये कंडीशन ट्रू ही होगी हमेशा, ऐसा हमने मान लिया कि हर बार जब हम ये चेक कर रहे हैं तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे एक जे प्लस प्लस स्टेटमेंट है जिससे कि जे हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, फाइन। ये लूप के अंदर ही है। कितनी बार एग्जीक्यूशन हुआ, लेट्स सी। आई की वैल्यू वन है, जे की वैल्यू भी वन है, जे लेस देन एन है, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इसका मतलब इस लूप के अंदर दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। जब जे की वैल्यू टू हुई तो सॉरी, ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, लेट से हमारा ये कंडीशन ट्रू है ही है क्योंकि जे की वैल्यू टू है, ये भी कंडीशन ट्रू है ऐसा मान लेते हैं, तो अगेन ये एग्जीक्यूट हो गया। जब ये अगेन एग्जीक्यूट हुआ तो ये दोनों स्टेटमेंट चले, फिर अगेन ये एग्जीक्यूट होगा तो दो स्टेटमेंट चलेंगे। तो मान लेते हैं कि जब तक जे की वैल्यू एन माइनस वन नहीं पहुँच जाती है सारे एग्जीक्यूट होते रहेंगे, और जैसे ही जे की वैल्यू एन होगी हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। सो टू 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 कितने टाइम्स चला गया, चलेगा ये एन माइनस वन टाइम्स, एन एथ टाइम के लिए नहीं चलेगा ये। तो ये कितने टाइम्स हो गए, टू इंटू एन माइनस वन टाइम, टू इंटू एन माइनस वन को हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ एन लिखेंगे। लेकिन नहीं, अभी हम समझ लेते हैं कि अभी तो हमने आई की वैल्यू वन के लिए केवल ये काम किया था, आई की वैल्यू अगर टू हो जाए तो ये कितनी बार चलेगा इनर लूप। इसी अगर आई की वैल्यू टू हो जाए तो जे की वैल्यू तो ऑलरेडी एन हो चुकी है, जे को हम दोबारा से इनिशलाइज तो कर नहीं रहे, तो ये पहली कंडीशन फेल हो जाएगी और ये लूप नहीं चलेगा। इसी तरह से आई की वैल्यू जब थ्री होगी तो भी जे की वैल्यू तो ऑलरेडी एन है, ये नहीं चलेगा, कंडीशन एंट्री कंडीशन ही फेल है इस वाइल लूप की। तो एक बार तो एन माइनस वन टाइम चला लेकिन इसके बाद जीरो टाइम जीरो टाइम जीरो टाइम्स एंड सो ऑन सो फोर जीरो टाइम। तो आई की वैल्यू वन के लिए तो चला ये एन इतनी बार चला, लेकिन आई की वैल्यू टू के लिए जीरो बार चला। तो आप सम करेंगे तो जितने भी जीरो ऐड कर दें इतना ही रहेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी टू एन माइनस वन, मतलब कि ऑर्डर ऑफ एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पे ऐसा निकाला कि इनर लूप का एग्जीक्यूशन आउटर लूप की वैल्यू के लिए कितनी बार हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझें कि जब भी हम इस तरह के प्रैक्टिस करें तो ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो एग्जीक्यूशंस, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं वो आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप के कितने एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं हम ये फाइंड करें। ओके, थैंक यू।